साथियों नमस्कार। आपने विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि, और कुछ आपदाएं मानव निर्मित होती हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट से रिसाव, भोपाल गैस त्रासदी, और वर्तमान में कोविड-19 महामारी को भी मानव निर्मित आपदा के रूप में ही देखा जा रहा है, और जिसका जिम्मेदार है हमारा पड़ोसी देश चीन। आपदा चाहे जैसी भी हो, ऐसे में आपदा में फंसे हुए लोगों को मदद यानी सहायता की जरूरत होती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सरकार सहायता के लिए तत्काल नहीं पहुंच सकती। ऐसे में सरकार नागरिकों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए ट्रेनिंग देती है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा। साथियों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर यानी नागरिक सुरक्षा के बारे में ही थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल नागरिक सुरक्षा एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके तहत नागरिकों को इस तरह ट्रेंड किया जाता है कि आपदा के समय वो अपनी और अपने आसपास के नागरिकों की भी सहायता कर सके। अगर नागरिक सुरक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है लोगों की जिंदगियां बचाना, आपदा से होने वाली बर्बादी को कम करना, और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना कि वो आपदा के समय खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि देश में सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो इसका सीधा सा जवाब यह होता है कि आपदा के समय सबसे पहली मदद अपने समुदाय से ही आती है। मान लीजिए अगर किसी के घर में आग लग गई तो पानी लेकर सबसे पहले उसका पड़ोसी ही दौड़ता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में आती है। अब आइए समझ लेते हैं कि भारत में सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा की शुरुआत कब हुई। भारत में इसकी शुरुआत भारत चीन युद्ध 1962 से मानी जाती है। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1971 में भी सिविल डिफेंस का उपयोग सैनिकों के पास छोटी मोटी मदद को पहुंचाने के लिए किया गया। उसके बाद सन 2009 में भारतीय संसद में सिविल डिफेंस एक्ट भी पारित किया गया। वर्तमान समय में भारत के 28 राज्यों में सिविल डिफेंस यूनिट कार्यरत है। इन यूनिटों में 6 लाख से अधिक वॉलेंटियर कार्यरत हैं। इनमें से कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और कुछ बेरोजगार लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब आइए भारत में सिविल डिफेंस की संरचना को समझ लेते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर सिविल डिफेंस को देखने के लिए डीजी सिविल डिफेंस होते हैं, जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं और वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। राज्य स्तर पर सिविल डिफेंस को डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस देखते हैं, ये भी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जबकि जिले स्तर पर चीफ डिस्ट्रिक्ट सिविल वार्डन की नियुक्ति की जाती है। सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत अगर इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन, आगजनी से बचाव, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना और मेडिकल सहायता पहुंचाना जैसे क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस का प्रयोग कांवर यात्रा के प्रबंधन में किया जाता है, कुंभ मेला के प्रबंधन में किया जाता है, तराई क्षेत्रों में बाढ़ से राहत देने के लिए किया जाता है, और वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे से राहत देने के लिए भी सिविल डिफेंस का प्रयोग किया जाता है। राज्य में सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।